नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी यूजी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी यूजी में जो ऑनलाइन किए थे बीए बीकॉम बीएससी के लिए, उसका फोर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। जिस भी स्टूडेंट का फोर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उसको क्या करना है, इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो आपको बता दें, देखिए फोर्ड मेरिट लिस्ट आने से पहले आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन क्या दिया था, ऑनर्स पेपर चेंज करने का, कॉलेज चेंज करने का। अगर ऑनर्स पेपर कॉलेज भी चेंज कर दिया तब भी आपका नाम नहीं आया, तो आपको बता दें पूर्णिया यूनिवर्सिटी 2022 में पांचवा मेरिट लिस्ट निकाला था, तो इस बार भी पांचवा निकालने से पहले उसको एक फिर से एक ऑप्शन दिया जाएगा। क्या ऑप्शन दिया जाएगा आपको बता देते हैं। अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप मेरा प्रोसेस मतलब ध्यान से सुनिएगा, उसी तरह से कीजिएगा, तो आपका एडमिशन 100% है कि आपका रैंक कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, 100% आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट का फोर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उस सभी स्टूडेंट का नामांकन होने के बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी 1 से 2 दिन के अंदर में आपको एक ऑप्शन फिर से दे देगा, जो कि फोर्ड मेरिट आने से पहले ऑनर्स पेपर चेंज करने का और कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन दिया था, उसी तरह से 5 मेरिट लिस्ट 5वां मेरिट लिस्ट आने से पहले आपको ऑनर्स पेपर फिर से चेंज करने का ऑप्शन देगा और कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन देगा। 5वां मेरिट लिस्ट भी जारी होगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार नाम मतलब इस बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, फोर्ड मेरिट लिस्ट में अच्छा अच्छा स्टूडेंट का मतलब बहुत सारा अंक भी लाया है, जिसे अंक डिपेंड नहीं करता है यूनिवर्सिटी में, इसलिए यूनिवर्सिटी वाले ने बहुत गलत किया कि बहुत सारे स्टूडेंट का नाम नहीं दिया। तो आपको बता दें आपका अगर नहीं आया, तो देखिए अगर आप इंटर में आप बीएससी किए हैं, सॉरी दोस्त इंटर में अगर आप साइंस लिए हैं तो आपको ऑनलाइन बीएससी में करना है, मतलब पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, तो आपका नाम आने का ज़्यादा चांस है। अगर आप इंटर में आर्ट्स पेपर लिए तो आप आर्ट्स पेपर से ही मतलब आप बीए कीजिए, तो आपका 100% चांस है कि नाम आने का। बीएससी करते हैं तो उसमें सीट खाली नहीं रहता है, बीएससी वाला मतलब अच्छी इंटर में जो साइंस किया है वो बीए करने तो नहीं चले जाता है, इसलिए सीट खाली नहीं होता। तो अगर आप मतलब आप जिस इंटर में जो भी आर्ट्स लिए तो आर्ट्स मतलब बीए कीजिए, और बीएससी लिए तो बीएससी कीजिए, तो नाम आपका ज्यादा चांस है आने का। आपको इस मतलब जब आपका चेंज होगा, मतलब आपको बता दें जब आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी और से नोटिस आएगा, मैं इसी चैनल के माध्यम से जब विषय चेंज करने का फिर से एक बार ऑप्शन देगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें पूर्णिया यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वीडियो आता रहता है, प्लीज चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। 5वां मेरिट लिस्ट आने में तो बता दें दोस्तों, 5वां मेरिट लिस्ट एक ही तरीका से आएगा, जब फोर्ड मेरिट लिस्ट का सभी स्टूडेंट का नामांकन हो जाएगा, नामांकन होने के बाद 5वां मेरिट लिस्ट के लिए स्टूडेंट को फिर एक मौका देगा। क्या सा मौका देगा? 5वां मेरिट लिस्ट के लिए यही मौका देगा कि जो भी स्टूडेंट मतलब फिर से चेंज कर सकता है अपना विषय, यानी ऑनर्स पेपर चेंज कर सकता है, कॉलेज चेंज कर सकता है, फिर 5वां मेरिट लिस्ट आने के बाद उसके बाद मेरिट लिस्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि 2022 में देखा गया है कि 5वां मेरिट लिस्ट निकाला गया है पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि बहुत सारा स्टूडेंट परेशान रहता है कि क्या होगा मेरा नामांकन नहीं होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट पैसा दे के नामांकन करवा लेता है तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी बताते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी पैसा दे के एडमिशन नहीं लेता, क्योंकि कॉलेज मतलब पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाला नहीं बोल रहे हैं, कॉलेज में डायरेक्ट जाके आप पैसा दे के एडमिशन लेते हैं, आपका रैंक कार्ड नहीं हो रहा मतलब आपका मेरिट लिस्ट में नामांकन नहीं आया है, तो आप डायरेक्ट नाम नहीं आया तो आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में नामांकन पैसा दे के करवा लें, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए अपना पैसा को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको इस साल नाम नहीं होगा तो अगला साल कीजिए, लेकिन पैसा मत लगाइएगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी मतलब कोई भी कॉलेज में जाकर डायरेक्ट नाम नहीं लिखाइएगा जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए। कोशिश करते रहिएगा कि 5 मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस हो सकता है कि आप मतलब आप देखिए ऑनर्स पेपर इस बार चेंज कर दिए, बहुत स्टूडेंट क्या किया कि ऑनर्स पेपर चेंज कर दिया, कॉलेज वही रहने दिया, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा। पहले आप क्या कीजिए, ऑनर्स पेपर चेंज कीजिए और कॉलेज भी, जैसे देखिए मान लीजिए फर्स्ट में आप दिए कौन सा कॉलेज, जैसे फर्स्ट में दिए केवी झा कॉलेज, मान लीजिए फर्स्ट में केवी झा कॉलेज दिए, सेकंड में दिए कौन, सेकंड में आप दिए बीडी कॉलेज बारसोई, तो आपको क्या करना है फर्स्ट में बीडी कॉलेज दे दीजिए, मतलब आप फर्स्ट में मतलब दूसरा कॉलेज दीजिए जो दिए थे पहले उसको हटा दीजिए, और ऑनर्स पेपर जैसे आप देखिए हिस्ट्री आप मान लीजिए आपका ऑनर्स पेपर है तो हिस्ट्री को आप ऑनर्स पेपर हटाइए, आप पॉलिटिकल साइंस में रखिए, मतलब पॉलिटिकल साइंस और सब विषय है तो और सब विषय में रखिए, क्योंकि इस बार आप सोच सकते आपका 4 मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपका दोनों चीज चेंज करना पड़ेगा ना। आप लोग क्या करते हैं एक चीज ही चेंज कर देते हैं इसलिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो आपको हमें इतना प्रोसेस बता दिया, अगर आपको बता
बाद अगर जब नोटिस आएगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी का फाइव में लिस्ट आने से पहले ऑनर्स पेपर चेंज करने का, कॉलेज चेंज करने का, तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हर न्यूज को कवर करते हैं। और रहा मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बेसिक इन्फॉर्मेशन उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम बताते रहते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर मेरा ज्वाइन हो जाइए। और जो भी स्टूडेंट का नामांकन नहीं हुआ प्लीज उसे रिक्वेस्ट है कि वह पैसा देके मतलब डायरेक्ट कॉलेज में नामांकन ना कराए, तो आपका रजिस्ट्रेशन करते समय आपका दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप नामांकन नहीं कराइए। जब तक मेरे लिस्ट में नाम नहीं आए तब तक आप नामांकन नहीं कराइए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है, प्लीज चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना छोटा भाई समझ कर थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, धन्यवाद।